डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम आपको फाइलम निमाटोडा के डाइजेस्टिव सिस्टम फीडिंग और बाकी ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे सोडोसिलोमेट्स निमाटोड्स हैं स्पेशियस फ्लूड फिल्ड कैविटी इनके अंदर मौजूद है दिस कैविटी नॉर्मली कंटेन्स सेवरल विजरल ऑर्गन्स एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन निमाटोड्स राउंड हैं बिकॉज देअर बॉडी मसल्स कंट्रैक्ट अगेंस्ट द सुडोसिलोम और जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो दे नॉर्मली जनरेट अ स्पेस दैट स्पेस इज फिल्ड बाय द फ्लूड डिपेंडिंग ऑन द एन्वायरमेंट निमाटोड्स जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ फीडिंग ऑन वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कार्निवरस भी हो सकते हैं हर्बीवरस भी हो सकते हैं ओमनीवरस भी हो सकते हैं सेप्रोब्स भी हो सकते हैं दे कंज्यूम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट मटेरियल को भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड सम ऑफ देयर स्पीशीज ऑफ निमाटोड्स दे आर आल्सो पैरासिटिक अब ये पैरासिटिक स्पीशीज़ जो हैं ये क्या करेंगी बिकॉज दे आर पैरासाइट दे विल डिपेंड अपॉन द होस्ट और होस्ट के ब्लड के ऊपर जो है ये फीड करेंगे निमाटोड्स जो हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट है माउथ है माउथ के बाद टीथ हैं टीथ के बाद जाज हैं स्टाइलेट्स हैं टीथ जाज शार्प भी हो सकते हैं पॉइंटेड भी हो सकते हैं दे विल आल्सो ऑल दी स्ट्रक्चर टीथ जाज दे आर प्रेजेंट इन अ वेल डेवलप्ड बकल कैविटी बकल कैविटी के बाद जो है मस्कुलर फेरेंगस लॉन्ग ट्यूबलर इंटस्टाइन जहाँ पर डाइजेशन होगी एबजॉर्बशन होगी स्टमक दीज आर स्ट्रक्चर्स जो कि एक हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं दे आर नाओ प्रजेंट इन फाइलम निमाटोटा शॉर्ट रेक्टम और एन एस भी मौजूद है इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि सीडोसिलोम का है और पम्पिंग एक्शन का है फेरेंगस जो है दिस विल पुश द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इन टू द इसोफेगस और इसोफेगस से फूड जो है फिर स्टमक में वहाँ पर डाइजेशन होगी और इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्बशन होगी निमाटोर्ड्स के अंदर रेगुलेशन का प्रोसेस जो है दैट इज़ क्वाइट वेल डेवलप्ड और जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली इसके अंदर अमोनिया और यूरिया दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स दे विल बी टेकन आउट बाय टू यूनिक सिस्टम्स आउटसाइड द बॉडी ग्लैंडुलर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है एक्वेटिक स्पीशीज में और जो ग्लैंड इसके अंदर हैं वो हैं वेंट्रल ग्लैंड सेल्स कार्ल्ड रेनिट्स ये रेनिट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स और हर ग्लैंड जो है दिस विल एब्जॉर्ब वेस्ट फ्रॉम द सुडोसिलोम एंड एम टी इट आउटसाइड थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर दिस इज द नॉर्मली स्ट्रक्चर दैट शोज द फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर ऑर्गन सिस्टम इन टिपिकल निमाटोड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप देखें यहाँ पर इसका ये माउथ माउथ जो है इसकी ये बकल कैविटी है बकल कैविटी के साथ इसके जहाज स्टाइलर्स दूसरे स्ट्रक्चर मौजूद हैं ये फूड को कैप्चर करेंगे ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करने के बाद फूड जो है फेरिंग्स में आ जाएगा फेरिंग्स के साथ जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रैक्ट करेंगे इनकी कंट्रैक्शन से फूड फिर इसोफेगस इसोफेगस से स्टमक स्टमक से फिर इंटस्टाइन और बाकी इसके अंदर नर्व रिंग जो है दैट इज़ क्वाइट प्रोमिनट एक्सक्रीटरी पोर्स मौजूद हैं रैनिटी ग्लैंड मौजूद हैं एक्सक्रीटरी पोर रेनिट्री ग्लैंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स, देर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट मटीरियल दैट आर नॉर्मली यूरिया एंड अमोनिया अब इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देखें एंटीरियर कैनाल एक्सक्रीटरी पोर न्यूक्लियस पोस्टीरियर कैनाल इंटस्टाइन तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर ग्लैंडुलर और ट्यूब्यूलर दोनों फॉर्म्स के अंदर इट इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट तो दिस इज़ एन इंडिकेशन टुवर्ड्स द हायर लिविंग स्टाइल आर टुवर्ड्स द हायर एनिमल्स अभी हम बात कर रहे थे निमाटोड्स में सिस्टम्स की तो बात हमने की लिविंग फॉर्म्स की अब हमने ये भी कहा कि निमाटोड्स के अंदर पैरासिटिक स्पीशीज भी मौजूद हैं अब पैरासिटिक निमाटोड्स जो हैं इनके अंदर सम एडवांस सिस्टम्स मौजूद हैं जिनको हम कहेंगे ट्यूबूलर सिस्टम्स ये ट्यूब्यूलर सिस्टम्स जो हैं देर नॉर्मली डिवेलप फ्राम द रेनेटी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रजेंट इन निमेटोड इस सिस्टम के अंदर क्या होता है जो रेनेटी स्ट्रक्चर्स हैं दे यूनाइट टू फॉर्म अ लार्ज कैनाल विच ओपन आउटसाइड थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स अब इसमें नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर नर्व रिंग उस नर्व रिंग से डिफरेंट नर्व्स जो हैं वो अराइज होंगी और ये जो नर्व्स हैं दे विल एक्सटेंड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एंड दीज नर्व्स आर अगेन कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू स्ट्रक्चर दैट विल बी नोन एज कॉमी शोर्स अब सर्टन इसके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी प्रेजेंट होंगी और ये सिक्रीशंस जो हैं दे आर नॉर्मली इन्वॉल्व इन देयर ग्रोथ मोल्टिंग यूटिकल फॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फोसिस तो इसमें हमने ये देखा कि फ्री लिविंग और पैरासिटिक निमाटोड्स के जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेन सिस्टम्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वान अनथ